तो पिछले ब्लॉग में थे कायनात की बारात, तो आज है कायनात का वलीमा। ब्लॉग में कोई कुछ बेचने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोटी खाएंगे तुन के अच्छे तरीके से, मस्त प्लान है। अभी तू स्मेल आ रही तुम तेरे को ये ब्लैक साड़ी तो नहीं पहनूंगी और मेरे पास कपड़े नहीं है। ₹200 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग। मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो लग रहे। ये देखो ऐसे स्कूल के बच्चे हो क्या? ये है मलसापी। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। ये है डेलुपा, ठीक है, जिसका डेले आज नजर ही नहीं आ रहे। गजब बेइज्जती है। कायनात कल ज्यादा प्यारी लग रही थी लेकिन आज भी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। ठीक है, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से सबकी शादियाँ होती जाएंगी, बस पता नहीं मेरी कब होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हाजिर हूँ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी जो एफर्ट्स हैं, जो मेरे व्लॉग्स हैं, वो आप तक पहुँच सके। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाके मुझे फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर मैं खूबसूरत भरी तस्वीरें पोस्ट करती हूँ। अगर आपको खूबसूरत लगती हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और निमरा अली रियल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और आज का व्लॉग क्या होने वाला है, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले व्लॉग में थी कायनात की बारात, तो आज है कायनात का वलीमा। तो मतलब हम लोग एक दिन कायनात से नहीं मिले लेकिन आप मुझे देख लोगे मैं तैयार हूँ क्योंकि हम लोग लेकर गए थे कायनात की तरफ नाश्ता। तो कायनात की तरफ से नाश्ता हम लेकर आ गए। अब बारी आती है वलीमे के लिए तैयार होने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं वलीमे पर तैयार होंगी लेकिन अब मैं तैयार होंगी क्योंकि सभी वलीमे पर जो है सलोन से तैयार हो रहे हैं। मैं अकेली घर में क्या ही तैयार होंगी। मेरे ब्लॉग में कोई कुछ बेचने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले खैर मेरे साथ एक बहुत बुरी हरकत हुई है, वो ये हुई है कि मेरे कपड़े नहीं है। मतलब मैंने कपड़े पहनने थे लेकिन मैं अब वो कपड़े नहीं पहन पा रही, पता नहीं क्यों। अच्छा, मसला पता क्या है? बेसिकली ना सब लड़कियों ने सोचा, पहले सोचा था बिस्मा ने कि वो साड़ी पहनेगी, उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। फिर मैंने सोचा कि वो पहनी है तो चलो मैं भी साड़ी पहन लेती हूँ। फिर मैंने ऑर्डर की एक इंस्टाग्राम के पेज से, जब भी मेरे खानदान में कोई शादी होती है मैं उन्हें 2 दिन पहले बताती हूँ, वो तीसरे दिन मेरे घर साड़ी भेज देते हैं। इस बार मैंने उनसे कहा कि मैंने नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी, आप भेज दें। तो जिनसे वो सिलाई करवाते हैं उन्होंने ब्लैक सिलाई कर दी और मैं 3 बार शादी पे ब्लैक साड़ी पहन चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि ब्लैक साड़ी तो नहीं पहनूंगी और अब मेरे पास कपड़े नहीं है। मतलब अब मेरे पास कपड़े नहीं है, सबको मैंने नीला पहना दिया। अम्मी को मैंने कहा अम्मी जी आपने नीला पहना है, सैरिश को मैंने कहा नीला पहना है, शेर भाई को कहा नीला पहना है, अब मैंने सबको नीला निकलवा दिया और अब मेरे पास नीली साड़ी नहीं है। तो मैंने घर पे मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है, वरना मेरे पास इतने कपड़े होते हैं कि पता नहीं चल रहा होता क्या पहनना है क्या पहनना है क्या पहनना है। खैर अब कुछ भी नहीं है पहनने को, तो घर से हमने एक फ्रॉक निकाली है उसको हम पहनेंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेकअप अच्छा सा करवा लेते हैं। तो मैंने अपने बाल धो लिए हैं तो अब हम चलते हैं सलोन, तैयार होते हैं। और आज वलीमे का दिन है, आज हम लोग देखेंगे लड़के वालों का इंतजाम कैसा है, रोटी खाएंगे तुन के अच्छे तरीके से, मस्त प्लान है, और गिफ्ट देंगे कायनात को और कायनात को देखेंगे कायनात कैसी लग रही है और उससे पूछेंगे कि वो मतलब उसका ये पहला दिन उसके ससुराल में कैसा था। तो अब सबसे पहले होते हैं तैयार, अपनी सबूती को चमकाते हैं, तो सलोन चलते हैं। तो गिफ्ट अभी तक पैक भी नहीं हुए, तो गिफ्ट पैक करो कि मैं ही सारा कुछ करूं। मैं गिफ्ट लेके आया, मैं उन्हें कह रही थी। आई लाइक माय हैंड्स। ये महविश आ गई। महविश तू स्मेल आ रही तुम तेरे को ना दिखा। ये महविश आ गई है, अब महविश जो है वो हमारे गिफ्ट जो है वो सारे पैक करेगी जो अम्मी लेकर आई है। ठीक है, हाँ जल्दी कर। तो क्योंकि कपड़ों की किल्लत की वजह से, क्योंकि साड़ी नहीं है तो मुझे पिछला कुछ तो पहनना ही था, तो मैंने घर में से तलाशी ली और मुझे एक फ्रॉक मिल गई जो मैंने अभी तक नहीं ये पहनी भी नहीं थी ना। हाँ, ये पहनी भी नहीं है। तो ये फ्रॉक है, बड़ी प्यारी सी फ्रॉक है, लेकिन ये शादियों में पहनने वाली नहीं है। कोई बर्थडे हो या फिर कोई इवेंट हो तो फिर तो चलो समझ में आता है, लेकिन ₹200 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं कुछ भी पहन लूँ मैं प्यारी ही लगती हूँ। और ये मैंने अपना जामड़ा धो लिया है, मैंने राइड भी करवा लिया, चीजें पैक शैक करते हैं, इसके साथ कौन सी ज्वेलरी कौन से जूते पहने हैं वो वहाँ जाके डिसाइड करेंगे। सलर्स को अब मैं
आ गई सलोन। अब जो है मैं अपने आप को तैयार कराऊंगी। सबसे पहले मैं अपना मुंह धोऊंगी क्योंकि मैंने अपने मुंह के ऊपर जो है 2 किलो किया हुआ मेकअप। पहले इस मेकअप को धोना पड़ेगा तभी नया मेकअप जो है वो टिक सकेगा, वरना तो मेरी ऑयली स्किन ना खराब हो जाएगा। पहले मुंह धोते हैं फिर कपड़े चेंज करेंगे, देन वी स्टार्ट आवर मेकअप। तो मुंह मैंने धो लिया और मुंह धोने के बाद तो मैं ज्यादा अच्छी लग रही नहीं लेकिन अभी मैं मेकअप करूँगी शायद मैं और अच्छी लगूँ। सब मुझे कहते हैं मेकअप में अच्छी नहीं लगती लेकिन मुझे मैं अच्छी लगती। कपड़े चेंज करते हैं। मैं आपको अपना पूरा ड्रेस दिखाती हूँ कि बेसिक भी मेरा ड्रेस है क्या। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने सामान की खुद हिफाजत करें। मैं सामान की हिफाजत करूँ या मेकअप कराऊँ? बात तो सही है मैं एक नन्ही सी जाना फिर करूँ क्या क्या मुझे बताओ। मैं जो है अपनी लेंस जो है ये लगा कर बैठ गई हूँ, डाइनो वाले लेंस। मेरे पास ऑप्शन नहीं था किसी लेंस का और ये बिल्कुल मेरी आंखों के साथ मैच हो रहे थे। जब हम मेकअप करेंगे तो ये अच्छे लगेंगे। फिलहाल जो है ये मैं ड्रेस पहन लिया, ये मेरा ड्रेस था ठीक है। और ये मुझे पीआर भी मिला था अनुज क्लोजर से जो कि बहुत खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। लेकिन ये शादी के लिहाज से थोड़ा सा, शादी पर भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन अब हम ये पहनते हैं, मेकअप वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे क्या। तो अब मेकअप शुरू करते हैं। पेंट कर रही है मेरी आंखों को। आंखें जो है वो ऑलमोस्ट बन गई हैं। तो मेकअप जो है मेरा हो चुका है। अब बस जो है वो लिपस्टिक रह गई है। अब हम लिपस्टिक लगवाएंगे ठीक है और फिर बाल बनवाएंगे। गुड जॉब। मेरा मेकअप जो है वो हो चुका है और आज मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली लाइक, हाँ तो जीप काले लग रहे हैं। और अब हम बनवाएंगे बाल। मेरे बालों में थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करवाऊँ। तो मैंने सोचा था कि मैं पोनी टेल करवाऊँगी और ये पता नहीं कुछ तो बनवाएंगे। मैं इंटरनेट से सर्च करती हूँ, प्रिंटस्ट करेंगे। प्रिंटस्ट मुझे लगता है मैं मरने का तरीका भी प्रिंटस्ट से निकाल दूँगी। तो मरना ऐसे मैं इतनी कंगाल हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेलरी भी नहीं थी। अब हम ज्वेलरी देखने आए हैं। इसके साथ मैंने सोचा था छोटे से टॉप्स और एक लॉकेट सा, लेकिन अब इनके पास इतनी हैवी ज्वेलरी होती है, अब उसके मुताबिक ही मुझे कुछ देखना पड़ेगा। और भैंस के दूँ तो अब मैंने ये एक चूज़ किया है। ये देखें, क्लोजअप दिखाएं। ये वाले मुझे अच्छे लगे क्योंकि मैंने बंद करने हैं ना, इस तरह से कुछ हेयर स्टाइल बनाना है। तो ये अच्छे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। कहाँ भाई कोई और दिखाएं, इतना बड़ा दिखाना है, फूलों ने दिखाना। मैंने सोचा है एक आज वो भी देख लें, अगर अच्छा लगेगा तो वो भी ले लेंगे। ग्रे कलर में दिखाना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है। इसमें एयरिंग दिखाना, मगर ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, कंट्रास्ट में आ जाएगा। हाँ, इसने मेरी आंखों पे भी पिंक सा किया है। ये देखिए ऐसे टाइटली पहन दुल्हन तो नहीं लग रही, बहुत प्यारी लग रही। अच्छा फिर आप जो कहेंगे वो वाला, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। चलो ठीक है, फिर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है 10। अब हम ये पहनेंगे। इतना टाइम हो गया और अभी तक मेरा हेयर स्टाइल नहीं बना। निशा ने पकड़ के मेरे बालों को क्रिम्पल कर दिया था। क्रिम्पल ही कहते हैं ना इसको? हाँ, मेरी बिश्ती माँ। चलो वीडियो बंद कर, कैमरा बंद कर दे। तो अब जो है निशा कुछ कर नहीं सकती, तो निशा कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। और ये देखो ऐसे स्कूल की बच्चे हो। अच्छा अच्छा, बंद करो वीडियो, बंद करो कैमरा, बंद कर। तो ये है मेरी फाइनल लुक। ये है ड्रेस जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, बाल बहुत अच्छे हैं। ये निशा नाम की लड़की ने बनाया है और ये मेकअप पता नहीं किसने किया, लड़की का नाम मुझे नहीं आता। खैर ये है मेरा होल लुक जो कि अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल। अब मेरे पास एक ही हील है,
गिनती की एक ही हील है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मैं वो पहनूंगी। ये ज्वेलरी भी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। मैं आज पीछे रखेंगे माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। ये है फिजा जो कि आज बहुत प्यारी लग रही है, कल इसकी बिल्कुल मत मची हुई थी। ये है बिस्मा जिसके बालों की वजह से मुझे थोड़ी सी खराबी पैदा लग रही है, लेकिन वैसे प्यारी लग रही है। बाल बाल आगे से करो। और इसकी साड़ी मैंने वो ड्रेप किया, कितनी प्यारी साड़ी मैंने वो की है। ये है डेलुपा, ठीक है, जिसके डेले आज नजर ही नहीं आ रहे, गजब बेइज्जती है, ठीक है। ये बड़ी प्यारी लग रही है। ये है हसीना जमीला जी, आज नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, ये देखें जरा, मैं हुस्न परी तुम जाने जहां। ये हैं सारे बच्चे। ये है कायनात, कल ज्यादा प्यारी लग रही थी लेकिन आज भी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, ठीक है। और ये हैं हम सारे लोग, आगे पीछे। अब हम लोग खाने हैं रोटी, मैं साथ से की तैयार होकर आई हूँ। ये लोग जब अभी अभी आए हैं, मुझे लगी है भूख, जो साफ सीधी बात है। ये है जी सालन, ठीक है, इसको कहते हैं बिरयानी, जो है वो नान तितर बितर हो गए थे, अभी नए रख रहे हैं। भाई मैंने तो खा लिया खाना और मैं बैठी सुकून से, लाइटें बंद हो गई हॉल में, देर लेट आया हूँ, पसंदोटा फ्राई की रस्म में 10 घंटे लगा दिए, पसीना पसीना मेरा इतना महंगा मेकअप बिगा रहा था। मैंने दिया कि मैं आगे सुकून से बैठ गई हूँ, ये इनकी रस्में चल रही हैं, ये खत्म होगी तो हम भी चले जाएंगे यहाँ से। तो अब हम लोग जो है वो घर जाने लगे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही हम लोगों ने शादी कर तो भाई कायनात की शादी का आखिरी दिन था आज, मैं अपने व्लॉग को एंड करना भूल गई थी बेसिकली, क्योंकि हम लोग बड़ी लेट आए थे। हम लोग के घर में जब शादी होती है हम लोग ऐसे ढोल ढमका करते हैं जैसे भाई आखिरी शादी है हमारे खानदान की। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया वलीमे पे, मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी, बहुत छोटा सा व्लॉग बनाए क्योंकि वलीमा उनका इवेंट था। हम लोग गए, हम लोगों ने खाना खाया, बाद में उनकी वो जो रस्म होती है गोडा फड़ाई की रस्म, घुटना पकड़ना होता है और फिर एक पैसे रकम दिए जाती है, फिर उसको डबल करके जो है वो भाभी जी या फिर जो दुल्हन होती है वो वापस करती है। ये देवर और भाभी की रस्म होती है, मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ऐसी कोई रस्म होती है कि नहीं होती है। हमारे खानदान में तो ऐसी रस्म होती है। खैर बहुत लड़े झगड़े हैं वो, पता नहीं बीच में फटा शटा भी हो गया था, मुझे नहीं पता, मैं तो निकल आई थी वहाँ से बाहर। खैर ये थी शादी और ये था कायनात का वलीमा जो कि ख़त्म हो चुका है, और इसी तरह से सबकी शादियाँ होती जाएंगी, बस पता नहीं मेरी कब होगी। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, मेरी भी हो जाएगी, बस अब दुआ क्या करें कि सब बहन बेटियों के नसीब अच्छे हों, वो जहाँ जाएं खुश रहें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें क्योंकि मैंने अपनी शादी की सारी पिक्चर वहीं पर पोस्ट की हैं। सो स्टे नहीं अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।